तरफ से सॉरी है, मुझे माफ कर दीजिए। फाइनली कैरी मिनाटी ने अपने सभी फैन से माफ़ी मांग ली है। चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैरी मिनाटी पहली बार किसी एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं जिनकी वजह से अपना एक वीडियो का पार्ट भी डिलीट करना पड़ा। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, कैरी ने क्या बोला है और वो कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले आप वो पार्ट देखिए जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। हाय, इनका अभी शूट चल रहा है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हमारा सेशन बुक है मैम, सेट नंबर 8। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, पैकिंग कर चुका है, इज अ डिफरेंस है। सर वन मोर। डूड, सॉरी, नो फोटोज, नो वीडियोस। मैम आप ना ज्यादा चढ़ो मत, मेरा फोन मेरी मर्जी कैसे इस्तेमाल करूं। ओए जी भाई मत कर भाई, पर बाहर कोई बात नहीं मैम, अब सेट का पता कर। कैरी मिनाटी ने काफ़ी लंबे समय बाद अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला जिसका नाम है मी टू बी स्पाइस, आप अभी देख सकते हैं। इसके अंदर ये वाला पार्ट था जिसके वजह से सभी लोग कैरी मिनाटी पे गुस्सा हो गए और ये बोल रहे थे कि वीडियो के अंदर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इन्होंने हिंदू गॉड को दिखाया। जब ये बहुत ज़्यादा बात फैल गई तो सभी लोग इनको बोलने लगे कि या तो आप इस वीडियो का पार्ट डिलीट करें या आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जाएगी। तो कैरी मिनाटी ने इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए कुछ ये लिखा जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कैरी मिनाटी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हालांकि किसी को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था कि हमारे प्रशंसकों को मेरे नवीनतम वीडियो के अंदर बुरा लगे, उनकी भावना को सम्मान करते हुए मैंने वीडियो के उस हिस्से को क्रॉप कर दिया था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी है। अगर आप लोगों को कैरी मिनाटी का ये वाला वीडियो देखना है कि उन्होंने कब सॉरी मांगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैरी ने क्या बोला है और ये ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है।